नमस्ते प्रिय छात्र, ई-लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी विषय में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 13, प्यार भरा एक खत। खत मतलब पत्र। कैसा पत्र? प्यार भरा पत्र। तो आइए देखते हैं क्या है इस पाठ में। प्यार भरा एक खत। बच्चों, पत्र लेखन का एक अलग ही मजा होता है ना। और किसी का खत आता है तो हमें कितना आनंद मिलता है और जल्दी से वो खत खोल के पढ़ने का मन करता है ना। बच्चों, यहाँ पर सुंदर चित्र दिया गया है। डाकिया है, वो पत्र लेकर आता है और बच्ची डाकिये से पत्र ले रही है ना। और यहाँ पर एक खत भी दिया गया है जो कि बहुत ही पुराना है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। आज नए साल का पहला दिन है। मैं पत्र लिखकर अपनी पोती को नव वर्ष की शुभकामनाएं भेज रही हूँ। अब जो दादी है वो अपनी पोती को नव वर्ष की शुभकामनाएं भेजने के लिए पत्र लिख रही है। क्या है? नए साल का पहला दिन, तो नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हुआ पत्र लिख रही है। कौन? दादी माँ लिख रहे हैं। किसको? अपनी पोती को। पत्र लिखते लिखते 50 वर्ष पहले की यादों में खो गई। अब जो वो दादी माँ थे वो अपनी पोती को पत्र लिख रहे थे, तो पत्र लिखते लिखते क्या हो गए? 50 वर्ष पहले की यादों में खो गए। 50 वर्ष पहले की यादों में खो गए। जब मेरे दादाजी ने एक पत्र कार्ड के रूप में भेजा था, वह अपनी पोती को पत्र लिख रही थी दादी माँ, तब उसको क्या याद आया कि 50 वर्ष पहले मुझे अपने दादाजी ने एक पत्र कार्ड के रूप में भेजा था। मैंने तुरंत अपनी अलमारी खोलकर वह पत्र निकाला। पुराने पत्र को खोलकर उसे दूसरी बार पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है ना। तो मैंने तुरंत अपनी अलमारी खोलकर वह पत्र निकाला। उसे देखकर मेरी आँखें भर आई। जानते हो दादाजी ने यह पत्र क्यों लिखा था? अलमारी से पत्र निकाला और उसे खोलकर देखकर मेरी आँखें भर आई। जानते हो दादाजी ने यह पत्र क्यों लिखा था? नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए। अब जो लेखिका है, उन्होंने 50 वर्ष पहले का पत्र निकाला जो कि उनके दादाजी ने लिखा था, तो उनकी आंखें भर आई। नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए दादाजी ने पत्र लिखा था। मेरे दादाजी अच्छी उर्दू और अंग्रेज़ी जानते थे। दादाजी को कौन सी भाषा आती थी? उर्दू और अंग्रेज़ी तो अच्छे से आती थी, हिंदी लिखनी उन्हें ठीक से नहीं आती थी। दादाजी को हिंदी लिखनी ठीक से नहीं आती थी, पर वे सोचते थे कि शुभकामनाएँ तो हिंदी में ही अच्छी लगती है, आशीर्वाद तो हिंदी में ही देना उचित है। इसलिए उन्होंने कोशिश करके अपनी टूटी फूटी हिंदी में पत्र लिखा। कितना प्यार था उस पत्र में। दादाजी ने लिखा, प्रिय पुत्री शारदा। दादाजी ने शारदा को पत्र लिखा था। अब शारदा जो अपनी पोती को जो पत्र लिख रहे हैं ना, वो शारदा जो कि अभी दादी जी है, उन्होंने 50 वर्ष पहले अपने दादाजी का पत्र खोला। उसमें क्या लिखा था? नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए दादाजी ने अपनी पुत्री को लिखा था। देखो यह खत यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि शारदा ने बताया कि उनकी दादाजी को उर्दू और अंग्रेजी भाषा अच्छे से आती थी, लेकिन हिंदी टूटी फूटी आती थी। तो किस तरह से लिखा? न्यू दिल्ली, और यहाँ पर तारीख लिखी गई है ना। प्रिय पुत्री शारदा, आशीष, नया साल की बधाई। प्रभु
से प्रार्थना है कि यह साल सबके लिए शुभ हो। आप सब साथ और प्रसन्नचित्त रहे। आप सब एक साथ और प्रसन्नचित्त रहे। देखो दादाजी को हिंदी ठीक से नहीं आती थी तो इस तरह से लिखा है ना। आप सब एक साथ और प्रसन्नचित्त रहे। सबको प्यार शुभचिंतक हकुमत राय है ना। उनके दादा का नाम क्या था? हकुमत राय। उन्होंने अपनी पोती शारदा को 50 वर्ष पहले ये पत्र लिखा था, जो कि शारदा जी जो है वो अभी बता रही है ना। वह पत्र मैंने घर में सबको पढ़कर सुनाया। कितना अनोखा है यह पत्र। भला क्यों? कार्ड के पीछे बा और बापू की तस्वीर है। हाँ हाँ, बापू यानी हमारे राष्ट्रपिता। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी थी। सब उन्हें बा कहा करते थे। वह पत्र शारदा जी ने सबको सुनाया पढ़कर, है ना। और कितना अनोखा पत्र था। और कार्ड के पीछे क्या था? बा और बापू की तस्वीर थी। बापू मतलब हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा, उनकी तस्वीर भी कार्ड के पीछे थी। आजकल पोस्टकार्ड जिसे हम खत भी कहते हैं उसके पीछे तस्वीर नहीं होती लेकिन लिखने की जगह होती है। मैंने दोनों पत्रों को साथ रखा और देखा पत्र लिखने का नया तरीका। आजकल पोस्टकार्ड आते हैं उसमें पीछे से तस्वीर नहीं आती लेकिन लिखने के लिए जगह आती है ना। दोनों पत्रों को साथ में रखकर शारदा जी ने देखा। और हाँ, शारदा जी ने यहाँ अपनी पोती को पत्र लिखा है वह भी बताया गया है। पत्र लिखने का यह नया तरीका है। इस साइड पहले पत्र में खुद का पता लिखना होता है एवं तारीख लिखनी हो, दिनांक लिखनी होती है। शारदा जी ने क्या लिखा है? प्रिय मिता। शारदा जी की पोती का नाम है मिता। प्रिय मिता, असीम प्यार और नए साल की शुभकामनाएं। आने वाले साल में कुछ नया सीखना और करना जरूरी है। तुमने क्या सोचा है? मुझे भी बताना। दादी जी क्या कहते हैं? पहले तो असीम प्यार और नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, बाद में बताते हैं कि आने वाले साल में कुछ नया सीखना और करना जरूरी होता है। तो तुमने क्या सोचा है मुझे भी बताना। अगली छुट्टियों में अपने मम्मी पापा के साथ आना। मैंने तुम्हारे लिए कहानियों की बहुत सी किताबें लेकर रखी है। शारदा जी क्या बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कहानियों की बहुत सी किताबें लेकर भी रखी है। सबको प्यार, तुम्हारी दादी माँ। यहाँ पर लास्ट में जो पत्र लिख रहा है उनका नाम होता है और यहाँ पर एड्रेस होता है। यहाँ पर जो प्रिय मिता लिखा गया है उसे संबोधन कहते हैं। बाद में जिसके बारे में पत्र लिखा गया हो वह डिटेल यहाँ पर लिखनी होती है ना। इस पत्र को लेटर बॉक्स में डालकर मैं सोचने लगी, काश अपने दादाजी को उनकी भेजी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद का पत्र लिखती। अब शारदा जी इस पत्र को लेटर बॉक्स में डालकर क्या सोचने लगे कि काश मैं अपने दादाजी को उनकी भेजी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद का पत्र लिखती। वे पत्र पाकर कितने खुश होते, दादी जी को भी पढ़कर सुनाते। आगे है अभ्यास। शब्द अर्थ। शुभकामनाएं मतलब भले की इच्छा। उचित मतलब सही। आशीर्वाद मतलब आशीष। खत मतलब पत्र या चिट्ठी। मुहावरा आंखें भर आना।
आंखें भर आना, इस मुहावरे का अर्थ है आंसू आना, भावुक होने पर आंसू आना। पाठबोध, प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने नहीं हैं, केवल पाठ में से ढूंढने हैं एवं पढ़ने हैं। लिखित, बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। दादाजी ने पत्र कहाँ से और क्यों लिखा? उत्तर में लिखेंगे, दादाजी ने पत्र नई दिल्ली से लिखा था क्योंकि वे अपनी पोती शारदा को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहते थे। ख, दादाजी कौन कौन सी भाषाएं जानते थे? उत्तर में लिखेंगे, दादाजी उर्दू और अंग्रेजी भाषाएं जानते थे। ग, खत के पीछे किसकी तस्वीर है? उत्तर में लिखेंगे, खत के पीछे मोहनदास करमचंद गांधी बापू और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बा की तस्वीर है। घ, ये पत्र किसने, कब, कहां से और किसे लिखे? तालिका में लिखकर बताओ। किसने, शारदा जी। कब लिखा? 1 जनवरी। कहां से लिखा? नई दिल्ली से। किसे लिखा? मीता को, अपनी पोती को। दादाजी किसने लिखा? दादाजी ने। कब लिखा? 50 साल पहले। कहाँ से? नई दिल्ली से लिखा। किसे लिखा? शारदा को, अपनी पोती को लिखा, है ना। प्रश्न दो, पाठ के आधार पर वाक्यों की क्रम संख्या लिखो। बच्चों यहाँ पर पाठ के आधार पर वाक्यों की क्रम संख्या लिखनी है। जैसे कि पहला वाक्य आएगा, आज नए साल का पहला दिन है। दूसरा वाक्य कौन सा पाठ में आता है? पाठ में दूसरा वाक्य कौन सा आता है? आशीर्वाद तो हिंदी में ही देना उचित है। तीसरा वाक्य आता है, पत्र मैंने घर में सबको पढ़कर सुनाया। चौथा आता है, मैंने दोनों पत्रों को साथ रखा। पांचवा, मैंने मीता को नए साल की शुभकामनाएं भेजी। तो यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से क्रम लिखेंगे। तो बच्चों आशा है कि आपको पाठ 13 प्यार भरा एक खत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभ्यास में शब्द अर्थ, मुहावरा एवं प्रश्नोत्तर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आपको अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में सुंदर अक्षरों में लेखन कार्य पूर्ण करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का भाषा ज्ञान देखेंगे। धन्यवाद।